बस ठीक सर, फाइनली यार आज मिलना हो गया। ठीक है ठीक है, आप सोच रहे होगे कि वो क्या था इंट्रो, तो सबसे पहले वेलकम टू व्लॉग लाइफ। कल शाम को मैं बैठा था, मोबाइल चेक कर रहा था, तो मुझे एक कॉल आया। वो कॉल था BCN न्यूज की तरफ से, उन्होंने कहा कि आज हमें आपका इंटरव्यू करना है। तो मैं बोला ठीक है, मतलब नॉर्मली बोला मैंने ठीक है, बट अंदर से कितने लड्डू फूट रहे थे मुझे पता है। अभी हम कॉल करेंगे BCN न्यूज में और देखते हैं कि सच में इंटरव्यू हो रहा है या नहीं। हेलो प्रियांशी। हाँ वो आपने कल कहा था ना इंटरव्यू है 12 बजे, तो तो नहीं मैं अभी तो आने का हूँ, मतलब कितने बजे आओ? 12 बजे बोला था मैंने। अच्छा ठीक है ना, मैं एक अभी वैसे भी 10 मिनट है, ठीक है मैं 12 बजे तक पहुँचता हूँ। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात पूछनी थी, मैं सोच रहा था इसका एक वीडियो बनाऊँ, मैं मतलब इसका ब्लॉग बनाने का सोच रहा था ऐसे ही बैकग्राउंड में। चलेगा ना? ओके ओके ठीक है, तो चलेगा ठीक है, फिर हम भी चलते हैं। तो अभी यहाँ पे BCN न्यूज़ के ऑफिस में पहुँच गया हूँ और अभी देखते हैं कि इंटरव्यू कितने बजे होगा शुरू। बस ठीक सर, हाय भाई फाइनली यार आज मिलना हो गया। निशान भाई अभी मिलता हूँ, मुझे ही बनाना है। दर्शकों का मैं रत्नाकर स्वागत करता हूँ यूट्यूबर स्पेशल में। एंड्रॉइड मोबाइल है वो यूट्यूब देखता नहीं होगा ऐसे यूट्यूब। तो गाइज मैंने आपको कहा था कि आज जो इंटरव्यू होने वाला था, तो लोकेशन पे हूँ मैं और मेरे साथ है। हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्नाकर। रत्नाकर सर जिन्होंने अभी इंटरव्यू लिया है BCN के, सर आप? मैं सीनियर रिपोर्टर और एंकर हूँ यहाँ पर इन BCN न्यूज़ में। अच्छा, और सर ने अभी अभी इंटरव्यू लिया है, तो ये इंटरव्यू आपको जो हमारा चैनल है विक्रमादित्य उस पर भी एक थोड़ी सी झलक मिलेगी, और साथ ही में जो इन BCN केबल का चैनल है उसे भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि उसमें भी आपको नागपुर से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं, दिन में कम से कम आपको 25-80 वीडियोज़ मिल जाते हैं, जिससे आपको नागपुर से रिलेटेड कोई भी घटना होती है तो उसके आप हमेशा अपडेटेड रहोगे। तो इन BCN न्यूज़ को भी आप सब्सक्राइब करके रखिए, और ये जो अपना वीडियो आने वाला है इसके लिए भी आप अपने चैनल को विक्रमादित्य को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है? ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर फॉर द इंटरव्यू। थैंक यू विक्रमादित्य जी। तो हम मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। क्या चीज़? लंबा हाथ करने की जरूरत नहीं है। हाँ ना, इसीलिए तो मैंने ये लिया ना, मास्क निकाल। तो भाई यहाँ पे देखो हमारे साथ कौन है, फाइनली इतने सालों के बाद, मतलब 2-2.5 सालों के बाद हमारा यहाँ पे मिलना हो गया, निशान शंबरकर। सीक्रेट बातें फॉर यू और नागपुर कर निशान, और भी बहुत सारे 2-3 और चैनल है भाई के। तो उसकी भी लिंक मैं दे दूंगा ये वीडियो में डिस्क्रिप्शन में। चलिए बाहर चल। तो इंटरव्यू हो चुका है और अभी क्या यार, घर जाना है। बस अभी घर निकल रहा, घर ही जाना है, बहुत ज़्यादा धूप है। कौन सी गाड़ी है? एक्टिवा। मैं अपनी डुगडुगी लेके आया हूँ। मैं एक्चुअली अपनी बाइक लेके आने वाला था, बट फिर सोचा कि ये कैमरा रखूँगा कहाँ पे। तो भाई निशान शंबरकर अपने यूट्यूबर है नागपुर के, और अगर आपने उनका चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखो,
वीडियो बना रहे हैं भाई, ठीक है। और अभी अभी अपना इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में बस वही चीज़ें पूछी है। एक फ़ायदा ये है कि थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा, BCN न्यूज़ है नागपुर का लोकल न्यूज़ चैनल है, तो उसमें थोड़ा तो एक फ़ायदा मिलेगा अपने चैनल के लिए भी। उसके हिसाब से मैंने सोचा कि चलो इंटरव्यू दे देते हैं। उन्होंने भी सोचा कि जो नागपुर के यूट्यूबर्स हैं उनको भी थोड़ा एक एक्सपोजर मिलना चाहिए और ज़्यादा उनके न्यूज़ के ज़रिए, तो इसलिए उन्होंने भी इंटरव्यू लिया। तो इंटरव्यू हो चुका है, इसका भी एडिटिंग पे मैं करूँगा और उसके बाद आज या फिर कल ये वीडियो आ जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड। बताया मैं, देखिए कौन है मेरे साथ, विक्रमादित्य। इनके अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, मैं नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं मैं। और सब्सक्राइब करने के बाद निशान भाई का चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है।